तो यार आज की जॉब अपॉर्चुनिटी है एंट्री लेवल जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। पूरा वीडियो को एंड तक देखना है समझने के लिए कि सैलरी पैकेज क्या होने वाला है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या होने वाला है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या होने वाला है। पूरा वीडियो कंप्लीट देखोगे तभी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। क्योंकि एंट्री लेवल की जॉब है तो उतना आइडिया आपको अभी नहीं होगा रेज्यूमे का, ठीक है, शॉर्टलिस्टिंग का। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है अपने रेज्यूमे में कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग बहुत ईजी हो जाए। सर अगर जॉब ओपनिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर रोल का नाम है, फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है, रिमोट लोकेशन नहीं है। यहाँ पे बैंगलोर लोकेशन पे आपको जाके काम करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस लेवल की बात करें तो मैंने बोला था एंट्री लेवल जॉब है, टिपिकली 0 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे आपको जाने के लिए। जॉब लेवल भी बता दिया गया है, दिस इज एन एंट्री लेवल जॉब, सो आप जाके अप्लाई कर सकते हो। बट उससे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, तो क्या क्या चीजें पूछते हैं, ठीक है। उसकी अंडरस्टैंडिंग होने से पहले आप अप्लाई मत करना, एक बार अंडरस्टैंडिंग ले लो, उसके बाद ट्राई करना कि आपको रेफरल मिले विद दिस जॉब अपॉर्चुनिटी। 1 or 2 days यू कैन टेक, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे जाके रेफरल मांग सकते हो विद पीपल वर्किंग एट HP, ठीक है। और वहां पे जाके आप उनको बता सकते हो कि आई हैव दिस स्किल सेट, आई हैव एक्वायर्ड दिस, ठीक है, एंड आई एम अ गुड फिट फॉर दिस, ठीक है, एंड देन यू कैन सेंड योर रेज्यूमे, ठीक है। सो देयर इज अनदर वे टू आस्क फ्रॉम द सीनियर ऑफ योर कॉलेज हु इज वर्किंग इन दिस कंपनी, ठीक है। वो थोड़ा और ईजी हो जाता है आपके लिए। यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं इसके इंटरव्यू प्रोसेस की। हम लोग स्टाइपेंड और सैलरी वाली चीजें सारी लास्ट में डिस्कस करते हैं, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे HP पूछता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल 4 राउंड्स होने वाले हैं। फर्स्ट राउंड विल बी योर ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, देन आपके 2 टेक्निकल एंड द 4th वन इज द HR राउंड। बहुत ही क्लियर कॉन्साइज इनका है यहाँ पे सारी चीजें। बहुत ही आप देखोगे किसी इंटरव्यू प्रोसेस में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो आपको बस सिंपल तरीके से प्रिपेयर करके जाना है, देन यू विल नील इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द राउंड 1 दैट इज द ऑनलाइन टेस्ट। अगर हम ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। पहला जो होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, देन सेकंड होगा आपका टेक्निकल क्वेश्चंस जहाँ पे होने वाले हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या लैंग्वेज की बेसिस पे क्वेश्चन होने वाले हैं, उसके बाद आपके कोडिंग क्वेश्चन हो भी सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। सो हो सकता है इसमें 3 पार्ट्स हो या हो सकता है आपके यहाँ पे 4 पार्ट्स हो इन द राउंड 1 दैट इज द ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आप एक बार जाके गो थ्रू कर लेना, क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू राउंड की। तो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में आपको यहाँ पे CS कोर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। बहुत जगह पे आपने देखा होगा CS कोर सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू गो थ्रू द CS कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से आना चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से आनी चाहिए। अगर मैं कुछ सैम्पल क्वेश्चंस की बात करूं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, आपको एक कंपाइलर का क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिंकर, लोडर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। CPP पे आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। STL वगैरह अगर आप C++ की क्वेश्चंस हो गए तो यहाँ पे STL आपसे पूछा गया है कि भाई वेक्टर जो है STL में कैसे इंप्लीमेंट होता है, इंटरनली उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस में बताए गए कि यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट पे, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पे, ओवरऑल जो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 1 और 2 में क्या आपको पढ़ना है कलेक्टिवली, तो कलेक्टिवली आपको पढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर, सिंपल मॉडरेट लेवल के डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत टफ डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं पूछने वाले हैं, ग्राफ वगैरह आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। सिंपल ट्री उसके बाद या उसके अराउंड की DP वगैरह के सिंपल चीजें आप देख लो, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर DSA, ठीक है। बात करते हैं सेकंड चीज की, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो उसमें आप सिंपल मेरे लेक्चर फॉलो कर सकते हो, वहां पे जाके मजा आ जाएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए मैंने नोट्स शेयर कर रखे हैं, वहां पे आप जाके नोट्स में देख लेना, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूँ, सो ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने 9 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो ना, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पे क्वेश्चंस, सारी की सारी चीजें मैंने कवर करी हैं उन लेक्चर्स में। बस आपको करना क्या है, जाके देखना है, ठीक है। एक बार जब आप देख लोगे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम की और ओप्स की। सो यार अब बात करते हैं कंपनसेशन की। तो कंपनसेशन आपका यहाँ पे होने वाला है 7 LPA के अराउंड, ठीक है। तो 7 लाख का आपका यहाँ पे कंपनसेशन होने वाला है, उसमें कुछ कुछ आपके बोनस होने वाले हैं, दैट कम्स अप टू 7 to 8 लाख के अराउंड, ठीक है। ओवरऑल एज अ फ्रेशर लेवल पे दिस इज गुड, ठीक है। कंपनी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छा वर्क कल्चर है, काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेंगी। इंटरव्यू प्रोसेस भी लाइट है यहाँ पे आपका, तो आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो। नाउ इफ यू आर फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड एंड यू वांट टू मूव टू टेक बैकग्राउंड, ठीक है, एंड यू नीड समवन टू डेराइव टू यू टू दैट पॉइंट, ठीक है, तो न्यूटन स्कूल की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, जाके चेकआउट करो, ठीक है। अब होता क्या उसमें, उसका नाम है फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो 6 मंथ्स से लेके ऐसा वेरिएबल प्रोग्राम होता है आपका, 3 मंथ्स में आप कंप्लीट कर सकते हो, 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो, आप ईयर में भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोग्राम होता है, EMI 5000 के अराउंड से आपकी स्टार्ट होती है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस होते हैं जहाँ पे आप अपनी ड्रीम कंपनी में प्लेस हो सकते हो, वहाँ पे जॉब ले सकते हो, ठीक है। तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, जाके अप्लाई कर देना, फर्स्ट लिंक ही होगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग दैट यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोग लेके आते हैं, जहाँ पे हम सारी चीज़ें बताते हैं आपको, ठीक है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।